स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं पंडित गौतर के बारे में। मैं क्लास से बाहर चला जाऊं? हटी वहां से आयुष, उठिए, बैग उठाइए, हाँ उठिए, बता रहा हूँ। चलिए वहां पे, वहां पांडे के पास। तो आज हम परचेज, रिसेंटली मैंने बताया था कि परचेज में भी कितने मोड हैं। तीन मोड। कितने मोड हैं? तीन। पहला हो गया आपका आइटम वाइज मोड, दूसरा होगा अकाउंटिंग इनवाइस मोड, और तीसरा हो गया एज ए वाउचर। तीन मोड के बारे में आपने पढ़ा, और तीनों मोड में कैसे कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं ये चीज भी आपको बताएंगे। अच्छा, आइटम इनवाइस मोड में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे? ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें आप आइटम परचेज कर रहे हो। अच्छा, अकाउंटिंग इनवाइस मोड में क्या कब रिकॉर्ड करेंगे? जब आप कोई सर्विस परचेज कर रहे हो। और एज ए वाउचर मोड में जब आपको क्लियर नहीं है कि आप क्या खरीद रहे हैं और जिसमें सिर्फ क्रेडिट और डेबिट वाली बात है, तो क्या करेंगे उसके लिए? एज वाउचर। तीनों मोड कर चुके हैं। तीसरा है आइटम इनवॉइस मोड, जो आज हमें करना है। तीन आइटम, यहाँ पे दो आइटम दिए हुए हैं, यही आइटम। तो दो क्वेश्चन तो आप लोग कर लिए थे। मैंने कहा था कुछ लेजर बनाने के लिए। लेजर क्या क्या बनाना था पहले देख लीजिए आप लोग। तीन लेजर आपको बनाने हैं, CGST, SGST और ITS। हाँ, कौन ये हो चुका है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन से बताना है, चीज बहुत क्वेश्चन बताना है। अच्छा, चलिए ठीक। तो फिर भी समझ लीजिए आप लोग, CGST, SGST और ISGST की बात होगी। तो तीन लेजर हमने बनाया भी था। पहला CGST, आप देख सकते हैं, चूंकि GST क्या है, एक टैक्स है, इसीलिए इसका अंडर ग्रुप टैक्स है ना, तो अंडर ग्रुप भी टैक्स ही होगा। CGST क्या है, एक टैक्स है, इसका अंडर ग्रुप भी क्या होगा, टैक्स ही होगा। तो टैक्स ले लिया हमने, टैक्स लिया है तो क्या है, टैक्स किसका, जीएसटी किसका है, सॉरी जीएसटी किसका है, जीएसटी का ही एक पार्ट है, ना, इसलिए जीएसटी। और किस टाइप का टैक्स है, पहले लिखा था सेंट्रल टैक्स, सीफा सेंट्रल, लेकिन अब सीजीएसटी लिख रहा है बस। और कुछ करना चाहिए और कंट्रोल एस एक्सेप्ट लीजिए। ऐसे ही क्या बनाना था, यस जीएसटी, सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा, बस यहाँ पे जीएसटी और यहाँ यस जीएसटी लिख रहा था। और ऐसे ही था आपका क्या, आईजीएसटी, सेम यही प्रोसीडर, यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस, मतलब जिसमें जितने भी टैक्सेस होते हैं उसका अंडर ग्रुप क्या होता है, ड्यूटी, जो भी जीएसटी के टाइप है उसका अंडर ग्रुप क्या होता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस ही होता है। याद कर लीजिए, जितने भी जीएसटी होंगे उसका अंडर ग्रुप ड्यूटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस होंगे। जो इनकम है, इनकम हो रहा है, जो एक्सपेंस, एक्सपेंस हो रहा है, पार्टी का नाम आ रहा है, सर्टिफिकेटर या सर्टिफिकेट डेप्टर आ रहा है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट आ रहा है, तो नाम भी छुपा होगा कि इसका अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट होगा। ऐसा कोई व्यक्ति आ रहा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, वो सस्पेंस अकाउंट हो गया, या हमने कोई लोन लिया है बैंक से तो सिक्योर लोन हो गया, चाचा पापा के लड़के से लिया है तो अनसिक्योर लोन का, ये सब चीजें पहचाने का एक जरिया है। स्टार्टिंग में सारी चीजें बताई गई, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया था। हमने कहा था कि एक लेजर बनाना है आपको, किस नाम से, क्या था, इंटरनेट चार्ज, किस नाम से, इंटरनेट चार्ज। और मैंने कहा था उस, बाकी अभी तक हमने ये सब नहीं किए थे, लेकिन इसमें करना था। इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, स्पेशली नॉट अप्लीकेबल रहेगा, जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा। और जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा तो यहाँ पे आप लोग में होगा एज कंपनी ग्रुप, लेकिन नहीं, उसमें ले लीजिएगा आप लोग स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। स्पेसिफाइड डिटेल हेयर ऑप्शन तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम अपने पास से कोई चीज जस्टिफाई करना चाहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि इंटरनेट चार्ज पे यहीं पे टैक्स लगा दें, बाद में नहीं लगाना है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, बाद में नहीं लग रहा है, एक ही साथ लग जा रहा है, तभी तो 1533 में से टैक्स भी आ जा रहा है और जीएसटी भी आ जा रहा है। ये क्या है, यानी जीएसटी इंक्लूड है, इंक्लूसिव वाला पड़ रहा है। तो हम बनाएंगे एक लेजर किस नाम से, इंटरनेट चार्ज के नाम से। अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा, स्टेचरी नहीं अप्लीकेबल। स्टेचरी किस पे अप्लीकेबल रहता है, जब हम ऐसी चीजें होती हैं, एडिशनल चार्ज या सर्विस होती है, या एडिशनल कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं, उस पे हम स्टेचरी डिटेल को इनेबल करते हैं, बाकी सब पर जीएसटी अप्लीकेबल रहता है। ये किस पे रहेगा, अभी वही मैं कहता, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, फूड एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, तीनों सब पे स्ट्रक्चरल डिटेल रहेगा। लेकिन अगर वही हम नॉर्मल बात करेंगे, इंटरनेट चार्ज या कोई भी चीज, तो उस पे क्या रहेगा, जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया ना कि जीएसटी अप्लीकेबल है, कितना परसेंट, 18%। एक बार फोटो खींच लीजिए या ऐसे ही लिख लीजिए कॉपी में, जल्दी से एक फोटो क्लिक करना है तो फोटो क्लिक कर लीजिए, आसान हो जाएगा। यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे फर्स्ट टाइम, तो यहाँ एचएसएन नंबर डालेंगे, ध्यान सुनिएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एचएसएन नंबर दिया हुआ है, थोड़ा नीचे आ जाइएगा, चौथा क्वेश्चन ना, आप देखिए यहाँ पे
यहाँ एचएसएन नंबर दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, स्टैक बोलते हैं यहाँ एचएसएन बोलते हैं, जैसे अपने वहां पिन कोड बोला जाता है, बाकी जगह जिप कोड बोला जाता है, तो वैसे स्टैक। तो ये है, तो पहले तो हमने यस किया है, तो पहले हमने एचएसएन नंबर डाला है, और दूसरी बार जब स्पेसिफाई किया, स्पेसिफाई का मतलब हम अपने पासवर्ड डालना चाहते हैं, स्पेसिफाई किया तो यहाँ टैक्सेबल हो गया है, और कितना परसेंट, 18%, यहाँ पे भी 18% का रिन्यू किया गया। स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं आप लोग, ये पुराना है जो 2.0 वर्जन था, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ऐसा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। और एक और पार्टी बनाना है, किस नाम से, बीएसएनएल के नाम से, तो बीएसएनएल एक पार्टी का नाम है, कंफ्यूजन होता है लेकिन नहीं होना चाहिए, बीएसएनएल एक पार्टी का नाम है, इसलिए इसका अंडर ग्रुप रहेगा सिंडिकेटर, क्योंकि हमारा ये सप्लायर है, इससे हम सर्विस परचेज कर रहे हैं, इसलिए इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, सिंडिकेटर होगा, क्योंकि इसका जीएसटी नंबर दिया होगा, जीएसटी नंबर डाल लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का ही है, और बाकी उत्तर प्रदेश स्टेट बहुत मैटर करता है, ठीक है, और कटोरे से एक्सेप्ट कर लिया, हो गया हमारा। करने के बाद ट्रांजेक्शन को करना है, करेंगे कैसे इस बात का ध्यान रखेंगे, क्या करना है, परचेज करना है ना, तो एक परचेज बीएसएनएल वाला जो होगा उसको डिलीट कर दिया जाए, क्यों किए नहीं गया, बीएसएनएल वाला किए नहीं थे, कोई बात नहीं किया तो अब कर लेंगे, आ जाएंगे F9 से परचेज वाउचर, यहाँ मोड कंट्रोल ये से दबा के चेंज कर लेंगे, अकाउंटिंग इनवाइस मोड कर लेंगे, यहाँ इनवाइस नंबर डालेंगे, इनवाइस नंबर थोड़ा बड़ा सा दिया हुआ जो एनडी करके, यही है आपका इनवाइस, और यहाँ लाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, एंटर किया, पार्टी का नाम हो गया बीएसएनएल, एंटर किया, हाँ उसके बाद से पार्टिकुलर में लेंगे क्या, इंटरनेट चार्ज। अच्छा एक बात बताइए, मैंने कहा था ये वाला ऑप्शन इनेबल कर लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन अगर आपके में नहीं आ रहा होगा तो इनेबल कर लीजिएगा, ये आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो क्या कहा था दबाने के लिए, F12, और यही एक ऑप्शन था इंक्लूसिव टेक्स्ट फॉर लेजर, इसको यस करना, अगर नहीं आ रहा था, क्योंकि आपको टेक्स्ट डालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उठा लेगा, इंटर करेंगे जैसे ही आप 1537 डालेंगे, तो मैंने तरीका भी बताया, इक्वेशन बताया ही था, इक्वेशन बताया था ना, बस वही है, 1537 डालेंगे तो अपने आप 12 12 जो भी होगा 12 99, वो अपने आप एग्जैक्ट अमाउंट उठ जाएगा, इसके जस्ट नीचे, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे उसमें बताया था आइटम वाले में टोटल अमाउंट के नीचे, ये तो सीजीएसटी है जैसे लगाइए, यहाँ सब तो नहीं सोचना है, यहाँ तुरंत सटे सटे सीजीएसटी और एसजीएसटी, किसका किसका टैक्स नहीं आ रहा है हाथ उठाइए, जीएसटी लगाए हैं कितने कितनों का नहीं आ पा रहा है जीएसटी, एक आप हो गए, और कोई इनके अलावा, बाकी सब कहा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, देखिए भाई कहाँ लोचा है, चेक कर नहीं तो, क्यों हाथ से डाले थे क्या, हाथ से नहीं डाला जाता है, देखो अपने आप उठाया कि नहीं उठाया, अपने आप आएगा, अगर हाथ उठाना पड़ रहा है टीचर से पूछिए, लास्ट एंड तक जब तक समझ ना आए, और क्लास में इसीलिए कहता हूँ कि मस्ती मत करिए, ध्यान से पढ़िए, कंसंट्रेशन बोर्ड पे बनाए रखिए, क्योंकि जो बहुत समझदार भी बच्चा होता है वो भी नादानी करता है, सिर्फ इस चक्कर में कि मैं तो तेज हूँ मुझे तो आ जाता है, उस ओवर कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक चीज होती है, बहुत ले डूबता है किसी को भी, हाँ नहीं रखना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो इन सब मामलों, पढ़ाई के मामलों में खासकर, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लिया, एक राउंड अप की दिक्कत थी, मैंने कहा था सुन लीजिएगा, उसके बारे में डिटेल में बता भी दे रहा हूँ, और राउंड अप का मतलब ये होता है बच्चों, आप नॉर्मली पढ़े होंगे कि अगर यहाँ पे लिखा है 1.76 और कह रहा है कि सिर्फ ये कितने प्लेस पे डेसिमल लगा है, दो प्लेस पे, कितने प्लेस पे लगा है, दो प्लेस पे, कोई कह रहा है नहीं सिंगल प्लेस पे ये अमाउंट लिखना है, तो जाहिर सी बात है एक हटा देंगे ना, सिंगल प्लेस का मतलब एक हटाना पड़ेगा आपको, यानी लिखेंगे 1 पॉइंट, लेकिन नहीं जब ये बगल वाला जब जाता है, अगर वो 5 से बड़ा है तो बगल वाले को 1 रुपया दे के जाता है, और 5 से छोटा है तो ऐसे ही चला जाता है बिना कुछ दिए, तो 6 है ना, 5 से ज्यादा है ना, तो बगल वाले को दे के जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यही यही नियम है, और 1 रुपया 80 पैसे को हम राउंड अप मान के 2 रुपया मान सकते हैं, 1 रुपया 60 पैसा को हम राउंड अप मार के 2 रुपया मान सकते हैं, 1 रुपया 50 पैसे को हम राउंड अप मार के 2 रुपया मान सकते हैं, लेकिन 1 रुपया 49 पैसा को हम 1 रुपया मानेंगे, क्या मानेंगे, समझ रहे ना, तो यहाँ बताइए यहाँ 99 बनाना है, यहाँ 32 है, 32.99, अगर कोई कहे एक प्लेस पे लिखिए तो क्या लिखेंगे, 33 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी इतना इसमें पैसा जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो वही जोड़ देना होता है, तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप क्या करिए तो जान भी रहे हैं कि 0.1 ही पैसे का अंदर है ना, 0.01, तो या तो जोड़ दीजिए आप खुद से, या जो लेजर बना रहे हैं राउंड अप का उन बातों में ध्यान देगा, अच्छा राउंड अप एक बार अमाउंट को घटाता भी है और बढ़ाता भी है,
मतलब कभी कभी जोड़ के 2 रुपए भी करने का काम कर रहा है और कभी कभी घटा के 1 रुपए काम भी कर रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसका जो नेचर होता है अंडर ग्रोथ होता है वो एक्सपेंस होता है। क्या होता है, इसलिए मैंने कहा था राउंडअप का एक लेजर बनाइएगा। क्या बना के, अल्सी दबा के क्या बनाएंगे, राउंडअप। क्या बनाएंगे, राउंड अप। अंडर ग्रोथ क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, चूंकि ये अमाउंट को बढ़ाता और घटाता दोनों करता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका नेचर क्या रखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, एंटर कर दिया। टाइप आप लेजर यहाँ ले लीजिएगा, इनवाइस राउंडिंग। ये ऐसा इसलिए लिया जाता है कि आपको घटाना जोड़ना नहीं पड़ेगा, 0.01 ये सब जोड़ना नहीं है, अपने आप उठा लेगा कितना जोड़ना है कितना घटाना है, इनवाइस राउंडिंग बस हो गया। और कितना रुपया बनाना है, लिमिट क्या बनाना है, 1 रुपया, बस इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए कि अपने आप 0.01 उठा लिया, हमको कुछ नहीं करना पड़ा। 1533 हो गया कि नहीं हो गया नीचे टोटल अमाउंट, और क्वेश्चन में कितना दिया था, 1533 बराबर आ गया कि नहीं आया। यहाँ अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर से बता दो। एक बार कौन, बताया राउंड अप को एक बार फिर समझा जाएगा। राउंड अप का काम करना नहीं कहते रहे, जैसे मान लो किसी को देना है तुमको 1299 रुपया, कितना, 1299 राउंड अप मार्केट 1300 दे दीजिए, बात खत्म हो गई। होता कि नहीं होता है, राउंड अप का मतलब होता है अमाउंट को एक टोटल बनाना, एक एग्जैक्ट वैल्यू बनाना, ये बेसिकली काम है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें 1.75, तो आप इसको राउंड अप बना के क्या मान लोगे, 2 रुपये। लेकिन अगर वही लिखा 1.45 तो इसको 1 ही रुपया मान लो, क्या मानोगे, ये 1 रुपया। नहीं समझ आ रहा है बात पर, जब भी 50 पैसे से नीचे रहता है उसको पीछे ले जाना है, 50 पैसे या 50 पैसे से ज्यादा है तो आगे ले जाना है, सीधी सी बात। तो राउंड अप का काम क्या हो रहा है, एक बार प्लस भी कर रहा है, मतलब प्लस करके तभी ना 2 रुपया बना दे रहा है, एक बार माइनस करके 1 रुपया बना दे रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दोनों काम कर रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका नेचर क्या रहता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहता है। यही समझाया हूँ। अच्छा, जब इसका लेजर बनाया है तो कैसे बनाया है, अंडर ग्रुप क्या रहा है इसका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और टाइप ऑफ लेजर में क्या ले लिए, इनवाइस राउंडिंग। ऐसा क्यों किया मैंने इनवाइस राउंडिंग, इनवाइस राउंडिंग करने से फायदा यह है कि कितना घटाना कितना जोड़ना है ये हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा, वो अपने आप ले लेंगे। नहीं तो हमको लिखना पड़ता 0.01, कई लोग 0.01 लिख देते, कई लोग दिमाग में काम नहीं करता उनको लिख देते 0.1, तो गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए हम क्या लेंगे, लिख लीजिए कैसे बनाना है, राउंड अप, अंडर ग्रुप, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनवाइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग 1, यही होना चाहिए। इस पे कोई काम नहीं करना, जीएसटी वगैरह पे, इस पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल दिया हुआ है। फोटो खींचना है फोटो ले लीजिए, जैसा करना है जैसे, क्योंकि सारा एडवांस लेवल हो गया है, अपडेट हो गया है, तो आप भी अपडेट रहिए समय के हिसाब से। तो फीवर चढ़ने लगा, बोलने से ना दिक्कत हो रही, फिर फीवर चढ़ने लगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लिया एक बार में, ध्यान से देखिए, बात मत करिए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इंटर इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, एक क्वेश्चन हमारा हो गया। अच्छा, सारा परचेज कर रहे हैं, अभी पेमेंट नहीं किया गया, ये सारे कहीं ना कहीं हमारे दायित्व को बढ़ाएंगे, लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो बैलेंस शीट का भी अमाउंट भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया सबका। चलिए अब मतलब ओवरऑल आप समझ गए कि 3 जो सेक्टर दिए हुए हैं उसमें, इन अकाउंटिंग इनवाइस मोड, वाउचर मोड या आइटम इनवाइस मोड, तीनों के बारे में आप समझ गए। ठीक है, ये आपका हो भी गया है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, हमें यही काम करना है आज। ठीक है, क्या सारे आइटम का नाम दिए हुए हैं, ये आइटम बना दे। तो पहले स्टार्टिंग में तो मैं आपको सिखाया था कि बाबू पहले ग्रुप बनाइएगा, फिर कैटेगरी और लास्ट में आइटम, यही सिखाया था ना। लेकिन जी अब तब क्योंकि आप ना समझ थे, छोटे थे इसके लिए, लेकिन आज कहूंगा कि आप डायरेक्टली काम करिए, आप डायरेक्टली कम अपने जाइए क्रिएट वाले सेक्शन में, कहाँ पे, क्रिएट वाले सेक्शन में, और डायरेक्टली फर्स्ट टाइम में ही आइटम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि आप सीख गए हैं कि जहाँ जो बनाना है वहाँ ऑल्ट सी मार देना है। तो देखिए सब कुछ इसमें छुपा हुआ है, सारी कहानी इसी से, आइटम चाहिए। मैंने कहा था ना इतना बड़ा नाम है, पढ़ने के बाद क्या लग रहा है, क्या है, कीबोर्ड है, तो इसका अच्छा ग्रुप हो जाएगा। अच्छा, कौन सी कंपनी का है, लेनोवो का, वही इसकी कैटेगरी हो जाएगी।
और उस पर कितना परसेंट जीएसटी लगाना है, 18% जीएसटी लगा, एक्सेशन कोड दिया ही हुआ है। तो एक बात याद रखिएगा, ये जीएसटी कहाँ लगता है, आइटम पे, स्टॉक ग्रुप पे, कैटेगरी पे? तो याद करो, ग्रुप पे लगता है। ग्रुप जब बनाते हैं उसी में जीएसटी अप्लीकेबल करके जीएसटी लगाते हैं। एक बना के दिखा रहा हूं, बाकी आपको बनाएंगे, ठीक है? स्टार्ट करें। चलिए, पहला आइटम का नाम क्या है, लेनोवो 100 वायरलेस कंपो, थोड़ा जोड़ दीजिएगा कीबोर्ड, इसमें आइटम में पूरा हो जाएगा, ज्यादा बेहतर है। अब सामने देखिए सब लोग, ये है कीबोर्ड, कीबोर्ड अंडर ग्रुप क्या होगा इसका, कीबोर्ड होगा। क्या होगा, कीबोर्ड हम बनाए ही नहीं है, तो क्या करेंगे, अल्ट सी, अपने आप दिख जाएगा आपको कहाँ जीएसटी लगाना है, वो सब दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख देंगे कीबोर्ड, अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ जीएसटी वाला सेक्शन लिख रहा है, प्राइमरी ही रहेगा। यहाँ ले लेंगे, हमें अपने पास से डालना है ना, क्या करेंगे, स्पेसिफाई, और क्या डालेंगे, जीएसटी नंबर, सॉरी सेक्शन नंबर। सेक्शन नंबर क्या है, 84-71-60 डाल दीजिए, 84-71-60 इंटर। और यहाँ पे भी क्या लेंगे, कितना पर टैक्सेबल रहेगा, कितना परसेंट, आसान है कि नहीं आसान है बताइए, आसान है ना, इंटर इंटर इंटर। अच्छा, कैटेगरी क्या होगी इसकी, लेनोवो होगी, क्या होगी, लेनोवो। और किसमें लेंगे इसको, पीस में, लीटर में, केजी में, बस। और यहाँ पे मेंटेन बैचेस दे रहा है इसको, तो अभी छोड़ दीजिए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए, या यस कर लिया जाएगा, यस किया जाएगा, क्या होगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, रह लीजिए अभी इसको, नो ही रख लीजिए, इसको कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बस इतना ही करना। एक और करके दिखा दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा तो समझ में आ जाएगा। करें, जैसे अगला आइटम है आईबाल है, एबी वायरलेस कम्बो कीबोर्ड, क्या है, कीबोर्ड कीबोर्ड है ना, इसका स्टॉक ग्रुप क्या होगा बच्चों, कंपोर्ट कीबोर्ड कीबोर्ड, इतना बड़ा नाम है उससे मतलब नहीं, डरा रहा है बस आपको, है कीबोर्ड, कीबोर्ड ले लिया। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा बच्चों, सॉरी स्टॉक ग्रुप हो गया, कैटेगरी क्या होगी, कंबो होगी, शेर कह रहा ना, तुम ही को देखिए बोला हो, डेलो ऐसे नहीं बोला हो, ये जो थोड़े होते हैं ठीक, ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ हो जाते हैं। कॉम्बो कौन सा ग्रुप है भाई, कीबोर्ड अभी आईबाल, लेनोवो, डेल सब जिक्र कर चुका हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस निकाली सब चीजें, नुकसानदायक है, क्या हो जाएगी बच्चों, आईबाल बनाना पड़ेगा ना, क्या दबा देंगे, अल्ट सी, पिछले बार लेनोवो नहीं बनाए थे, इस बार आईबाल बनाना पड़ रहा है, तो आईबाल लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंट्रोल इस एक्सेप्ट करी, बस हो गया। कीबोर्ड क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि कीबोर्ड एक बार बन गया तो दोबारा नहीं बने, उसी में अब सोच रहे होंगे, अरे सर जीएसटी है इसमें अप्लाई ये नहीं किए कभी, ये वाला जीएसटी है, कहाँ अप्लाई हुआ है, तो आप देखिए ग्रुप कौन सा है, कीबोर्ड, ये भी कीबोर्ड था, दोनों का स्टेशन नंबर भी सेम था, इसलिए दोबारा बनाने की जरूरत, अगला बना के दिखा दे रहे हैं, ताकि अब आप खुद से करेंगे, और यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट करिए। अगला है, ऐसे 20 बनाना है आपको, आप 10-12-20 प्रोजेक्टर, अच्छा बताइए, इतना लंबा नाम दिया है लेकिन है क्या है, तो उनका स्टॉक ग्रुप क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टर हो जाएगा, स्टॉक ग्रुप क्या हो जाएगा, तो अल्ट सी करके बनाएंगे ना, प्रोजेक्टर, इंटर इंटर इंटर। और यहाँ क्या लेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल हियर, क्या दिया हुआ है, 85-28-69-00, 85-28-69-00, यहाँ पे भी क्या लेंगे, बहुत बढ़िया, टैक्सेबल, 28% दिया हो, प्रोजेक्टर पे 28 लगता है, याद रखिएगा, इंटर करके। और यहाँ किस कंपनी का है, डेल का, तो डेल स्टॉक उसका कैटेगरी क्या हो जाएगा, डेल नहीं बनाया तो क्या करेंगे, अल्ट सी डेल बना, आसान है कि नहीं आसान है बताइए, बहुत आसान है ना। और यहाँ क्या ले लेंगे, पीस ले लेंगे, अब कंट्रोल से हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बस यही क्लास में आज काम पड़ रहा है, 20 आइटम बना लीजिए, हमको भी बनाना पड़ेगा, हम आराम से बनाएंगे, अभी टाइम नहीं है, और बाकी आप लोग बनाएंगे 20, उसके बाद पार्टी नेम भी बनाना सिखाएंगे आपको, बाकी क्लास में आपको यही करना, कोई डाउट है किसी को, थैंक यू क्लास, हाँ बैलेंस शीट देख रहे हैं, दिखा रहे, देख हाँ लीजिए, 50-12-0-45, 50-12-0-45 हाँ उसी दिन वाला है, अच्छा।